सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकली स्टूडियो में। दोस्तों गुड मॉर्निंग यू ऑल, लव यू माय बब्बर शेरों और शेरनियों, हाउ आर यू ऑल डियर फ्रेंड्स। यू आर सुपर वोकली, हर हर वोकली, घर घर वोकली। फ्रेंड्स today I am going to teach you water seal drainage system, chest tube drainage system ya intercostal drainage system। अरे भाई बोलो, सुन रहे हो बात? क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक योर लेक्चर नाउ। ओ मेरी जिंदगी सजा के गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हर हर बुगली, घर घर बुगली माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज के इस क्लास के अंदर हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सीखेंगे। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को इंटरकोस्टल ड्रेनेज भी कहते हैं और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने थोरा सेंटेसिस सीखा था। दोस्त थोरा सेंटेसिस भी वही सिस्टम है जो आज हम इसी से सीखने वाले हैं, बस मेजर डिफरेंस इज दैट दोनों में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स जब न्यूमोथोरेक्स या हीमोथोरेक्स या प्लूरल इफ्यूजन का अमाउंट स्मॉल या माइनर होता है तो दैट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग द थोरा सेंटेसिस। बट वेन द अमाउंट ऑफ इफ्यूजन कलेक्टेड इन द प्लूरल कैविटी इज लार्ज देन वी नीड टू प्रेफर द इंटरकोस्टल ड्रेनेज या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। दोस्त आज हमारे पास ऐसा क्लाइंट एडमिट है जिसको चेस्ट का कोई सर्जरी हुआ हो या फिर प्लूरल इफ्यूजन हो रहा हो तो उसे हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से रिमूव करेंगे। फ्रेंड्स इसी को इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इस सिस्टम में जो ट्यूब्स लंग्स के अंदर इंसर्ट की जाती हैं वो इंटरकोस्टल स्पेस से होकर के इंसर्ट करते हैं। दोस्त ये एक बॉटल सिस्टम होता है जिसमें 3 बॉटल्स होती हैं और इन बॉटल्स में जो मिडिल वाला बॉटल होता है उसमें वाटर फिल होता है और ये वाटर एक सील की तरह, एक वाल्व की तरह काम करता है। इसीलिए इस सिस्टम को वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी नाम दिया गया। तो आइए दोस्तों हम सीखने वाले हैं आज चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम्स। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। इवन हो सकता है कि आप अभी तक केवल वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के बारे में ही जानते हो या उसी के बारे में ही आपने पढ़ा हो, लेकिन आज आपको वो सारे सिस्टम्स बताए जाएंगे इस लेक्चर में जो भी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के लिए यूजफुल होते हैं। तो लेक्चर देखते रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और कंसंट्रेशन मेंटेन रखिएगा। दोस्तों ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये सिस्टम है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में क्या क्या होता है एक बार हम आपको रिव्यू कर देते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम करते हैं यहां से। यहां पर ये जो मॉनिटर लगा हुआ है इस मॉनिटर का नाम होता है एयर लीक मॉनिटर। ये है पेशेंट प्रेशर फ्लोट बॉल। दोस्तों यहाँ एक फ्लोट बॉल होता है जो प्रेशर को इंडिकेट करता है। ये मॉनिटर है एयर लीक मॉनिटर
और एयर लीक मॉनिटर के यहाँ पर एक बॉल होता है इस सिस्टम के अंदर जो फ्लोट बॉल कहलाता है। स्विंग आउट फ्लोर स्टैंड होता है इसका, ये स्टैंड है अस्टिन। सक्शन मॉनिटर, दैट इज सक्शन मॉनिटर। ड्राई सक्शन रेगुलेटर, वाटर सील चैम्बर, दिस इज वाटर सील चैम्बर। और पॉजिटिव प्रेशर रिलीज वॉल्व, दिस इज सक्शन पोर्ट। और फिल्टर्ड हाई नेगेटिव वेंट, दिस इज द निडललेस एक्सेस पॉइंट पोर्ट। इन लाइन कनेक्टर और मल्टी पोजिशन हैंडलर, ऐसा जैसे आपने देखा हो कभी एक जो लाइट होती है ना, लाइट जो शादियों में लगी होती है उस पे जो स्टैंड होता है उससे उस लाइट को किसी भी पोजीशन में ऐसे घुमाया जा सकता है अस्टिन, उसी तरह का इस पे भी एक स्टैंड होता है जिससे इसको किसी भी पोजीशन में रोटेट किया जा सकता है। तो मल्टी पोजीशन हैंगर इसको कहते हैं। इजी टू ग्रिप हैंडल, ये हैंडल है और कलेक्शन चैम्बर है ये। और फ्रेंड्स पैसेंट ट्यूब क्लैंप है और पैसेंट कनेक्टर है, दिस इज पैसेंट कनेक्टर, ये जो देख रहे हैं ये पैसेंट कनेक्टर है अस्टिन। इससे पहले कि सिस्टम के बारे में जानते हैं मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अ पोस्ट ऑपरेटिव थोरेकोटॉमी पेशेंट कंप्लेन इफ इंक्रीज शार्प चेस्ट पेन, द नर्स असेसमेंट रिवेल एन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज पल्स रेट, इंक्रीज एंजाइटी। व्हेन असेसिंग द चेस्ट ट्यूब सिस्टम द नर्स नोट दैट द water seal chamber of the collection tubing is empty. What is the causing the patient's chest pain? Chest pain kyun ho raha hai? Improper function of the chest tube system, improved pneumothorax, tension pneumothorax, ya incisional pain. Question number 2 hai, patient with the chest tube that remove bloody drainage from the chest cavity usually are at the risk for respiratory problem. These patients have many care priorities. What are two most important priorities related to management of the chest tube system? Chest tube system ki major two priorities kya hoti hain? Monitoring chest tube drainage and maintaining the chest tube patency. Monitoring chest tube drainage and promoting activity. Promoting airway clearance and maintaining chest tube patency. Promoting activity and airway clearance. तो दोस्त ये दो questions मैंने आपको display किए हैं, इन दोनों questions के answer आपको इस lecture में खोजना है। इस lecture को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन दोनों questions के जवाब कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे और देखते रहिए कि इनके answer आपको कहाँ मिलते हैं। लेक्चर के एंड में मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का रैशनल देने वाला हूं। इसके साथ ही ये दोनों क्वेश्चंस आज का जो आपका टेस्ट होगा बुगली ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है पिछले 1.5-2 महीने से, उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी ये दोनों क्वेश्चंस आज आएंगे। तो बी रेडी, यस रेडी, यस और नो। चलो आगे बढ़ता हूं, आइए बात करता हूं दोस्त चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन हम जानेंगे दोस्त। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज को इंटरकोस्टल ड्रेनेज यानी ICD भी कहा जाता है। फ्रेंड्स इंटरकोस्टल ड्रेनेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेस से ट्यूबिंग इंसर्ट करके और लंग्स में से यानी प्लूरल स्पेस में से एयर या फ्लूड को रिमूव किया जाता है और इसीलिए इस सिस्टम को इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं दोस्त। यदि अगर प्लूरल स्पेस में एयर कलेक्ट हो रहा हो, एक्सेसिव एयर कलेक्ट हो रहा हो या फिर एक्सेसिव फ्लूड कलेक्ट हो रहा हो, एक्सेसिव एयर कलेक्ट हो रहा हो मीन्स न्यूमोथोरेक्स हो रहा हो, तो यदि पेशेंट न्यूमोथोरेक्स का है तो चेस्ट ट्यूब्स सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस से होकर इंसर्ट किए जाते हैं। यदि दोस्त फ्लूड कलेक्ट हो रहा हो तो चेस्ट ट्यूब 8th to 9th इंटरकोस्टल स्पेस से होकर के इंसर्ट किए जाते हैं दोस्त। फ्लूड्स में कई प्रकार के फ्लूड्स का कलेक्शन हो सकता है, RRB में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट एग्जाम के अंदर। यदि फ्लूड्स में दोस्त सबसे पहली बात हम करते हैं कि फ्लूड्स कलेक्ट हो रहे हो और फ्लूड्स में यदि अगर ब्लड का कलेक्शन हो रहा हो,
किसका ब्लड कलेक्ट हो गया हो। तो ब्लड के कलेक्शन को हम कहते हैं दोस्त, ब्लड के कलेक्शन को हम हीमोथोरेक्स कहते हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड हीमोथोरेक्स। यदि अगर वाटर का कलेक्शन हो रहा हो तो वाटर कलेक्शन को हाइड्रोथोरेक्स बोला जाता है। दोस्त यदि अगर पस या लिम्फ का कलेक्शन हो रहा हो तो फ्रेंड्स इसे काइलोथोरेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करना पड़ता है। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से इन एबनॉर्मल फ्लूड्स को या इन एबनॉर्मल एक्सेसिव एयर को प्लूरल स्पेस में से रिमूव करने की आवश्यकता होती है, और इसीलिए इस सिस्टम को कहा गया दोस्त चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम या इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में तीन बॉटल्स का बना हुआ एक सिस्टम होता है। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ थ्री बॉटल्स। फ्रेंड्स ये थ्री बॉटल्स का एक सिस्टम होता है, और इसीलिए इसको इसमें जो मिडिल बॉटल होता है फ्रेंड्स, मिडिल बॉटल वाटर सील का, इसमें वाटर फिल होता है, और ये वाटर सील का कार्य करता है या फिर वन वे वॉल्व की तरह काम करता है। अंडरस्टैंड गाइस, वन वे वॉल्व, और इसीलिए इस सिस्टम का नाम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी कहा गया। क्या कहा गया? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी इसको बोला जाता है। अस्टीन दोस्तों, तो सबसे पहला पर्पस क्या होता है यदि अगर मैं बात करता हूं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम की आवश्यकता का, पहला पर्पस क्या होता है? तो सबसे पहला पर्पस होता है टू रिमूव द एक्सेसिव एयर और फ्लूड फ्रॉम द इंटरकोस्टल स्पेस इन केस ऑफ द न्यूमोथोरेक्स या फिर हाइड्रोथोरेक्स या फिर हीमोथोरेक्स या काइलोथोरेक्स। दोस्तों सेकंड इसका पर्पस क्या हो सकता है? तो पहला पर्पस तो आप सीख गए होंगे। दूसरा पर्पस यदि हम कहें तो टू क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स, टू इंप्रूव द नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स। फ्रेंड्स लंग्स का नेगेटिव प्रेशर वापस से रीएस्टैब्लिश करने के पर्पस से या लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करने के पर्पस से भी इसको किया जा सकता है। नेगेटिव प्रेशर के बारे में थोड़ी सी बात बताता हूं दोस्त, ये है लंग्स। लेक्चर बड़ा है, ध्यान से समझना और कंसंट्रेशन से समझना, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूं। आज के लेक्चर में वो सब पढ़ाऊंगा जो आपको नहीं पता है। तो दोस्त बड़े कंसंट्रेशन की जरूरत है, बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। हम कह रहे हैं नेगेटिव प्रेशर, तो दोस्त लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जब हमारे इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के अंदर कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, तो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव प्रेशर को यदि अगर हिंदी में मैं कहूं तो ये है कम प्रेशर, यानी प्रेशर का डिक्रीज होना। जब लंग्स के अंदर के प्रेशर में और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंपेयर होता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसकी तुलना में पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव हो जाने की वजह से ही एयर ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर से एंटर करके और लंग्स में आ जाती है। तो दोस्तों हमारा जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, रेस्पिरेशन मैकेनिज्म, ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, वो नेगेटिव प्रेशर पे फंक्शन करता है। कैसे कार्य करता है? नेगेटिव प्रेशर पे, कि लंग्स में जैसे ही लंग्स का एक्सपेंशन होता है तो लंग्स का एरिया बढ़ता है, एरिया बढ़ते ही प्रेशर घटता है, इट मींस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होते ही एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्ड इनटू द लंग्स, और इसी को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। जैसे ही डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, डायफ्राम अपनी शेप में आता है और वापस से लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, और बढ़ने पर यह कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव होते ही लंग्स के अंदर से एयर बाहर एक्सहेल हो जाता है, इसको हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस का, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम का पर्पस होता है दोस्तों
इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम का जो पर्पस होता है वो होता है लंग्स में नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना। आइए जानते हैं दोस्त। अब हम कहते हैं तो ये जो सिस्टम होता है इस सिस्टम के अंदर 3 बॉटल्स होती हैं। यूजुअली जो सिस्टम काम में आता है वो 3 बॉटल्स वाला सिस्टम होता है। इसमें सबसे पहला जो बॉटल होता है दोस्त, जो पेशेंट के साथ कनेक्ट होता है, ये होता है पेशेंट के साथ कनेक्ट। पेशेंट के साथ कनेक्ट बोले तो कहां पर? इंटरकोस्टल स्पेस में ये कनेक्ट होता है। स्टिल अब हमने कहा इस सबसे पहली बोतल को बोलते हैं दोस्त ड्रेनेज बोतल। क्या कहा जाता है? ड्रेनेज बोतल। सेकंड वाला जो बोतल होता है ये कहलाता है दोस्त वाटर सील बोतल। वाटर सील बोतल। अस्टे ध्यान से समझना, ये जो थर्ड बोतल होता है दोस्त इसे कहते हैं सक्शन बोतल। क्या कहा जाता है? सक्शन बोतल। अस्टे देखिएगा दोस्त, सबसे पहले जब लंग्स में से फ्लूड रिमूव होगा तो वो आकर के सक्शन बोतल में कलेक्ट होगा। स्पेशली हम एयर के लिए यूज कर रहे हैं, तो एयर जब लंग्स में से आकर के और इस सिस्टम में आएगा तो वो कहां पर आकर कलेक्ट होगा? ड्रेनेज बोतल के अंदर। ड्रेनेज बोतल से ये एंटर करके और वाटर सील बोतल में जाता है और वाटर सील बोतल से फिर ये इधर जाता है। अब देखो दोस्तों, ये जो स्टेराइल वाटर इसके अंदर फिल है, सक्शन बोतल है। अब ये कैसे फंक्शन करता है जानिएगा दोस्तों। ये जो थर्ड बोतल आप देख रहे हैं, मैं बात यहां से शुरू करूंगा, कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, गुड मॉर्निंग करना बंद करो, और बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है आज के लेक्चर को समझने के लिए अस्टेन, क्योंकि इवन ये आपकी लाइफ का पहला लेक्चर होगा जिसमें आपको वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम इतना बेटर तरीके से समझ में आएगा और इतना बेटर तरीके से आप सीखोगे अस्टेन। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिएगा बुगली के साथ। ओके लव यू डियर फ्रेंड्स। चलिएगा तो ये जो थर्ड बोतल हम देख रहे हैं सक्शन बोतल, सक्शन बोतल क्या करता है दोस्त? सक्शन बोतल क्या करता है? फ्लूड को खींचता है, यानी कि ये इस सिस्टम में सक्शन क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देगा? सक्शन क्रिएट कर देगा और सक्शन इस फ्लूड को खींचता है। जैसे ही फ्लूड या एयर को यह सक्शन सिस्टम खींचता है तो वो आकर के और ड्रेनेज बोतल में कलेक्ट होता है। दोस्त ड्रेनेज बोतल के अंदर जो कलेक्शन होता है उसके बारे में आप जान लीजिएगा। यदि अगर कॉम्पिटिटिव एम्स के पर्पस से कहूं तो इनिशियली ड्रेनेज का अमाउंट 75 से 100 ml पर हार होता है। यूजुअली इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि अगर दोस्त इससे ज्यादा, इफ मोर देन 100 ml पर हावर, यदि ड्रेनेज का अमाउंट 100 ml पर हावर से ज्यादा है तो देन व्हाट इज नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी? देन यू नीड टू नोटिफाई टू SCP, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना होगा। फ्रेंड्स ड्रेनेज बोतल के बारे में बात करता हूं तो ड्रेनेज बोतल में जैसे ही एयर इसके अंदर एंटर करता है इस बोतल में होता है ओसिलेशन। क्या होता है? ओसिलेशन। दोस्त दूसरी बात हम करते हैं फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है ड्रेनेज बोतल के अंदर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है? ओसिलेशन। दूसरी बात हम कहते हैं वाटर सील बोतल के बारे में, तो वाटर सील बोतल एक तरह का क्या है? ये एयर वेंट है, वन वे वॉल्व है। ये जो वाटर इसके अंदर भरा हुआ है स्टेराइल वाटर, ये स्टेराइल वाटर वन वे वॉल्व की तरह फंक्शन करता है। वन वे वॉल्व इट मींस इसमें आ तो सकता है लेकिन इससे जा नहीं सकता। और ये वाटर सील पहला फंक्शन, इट फंक्शन लाइक द वन वे वॉल्व। सेकेंड फंक्शन ऑफ दिस वाटर इज दैट
इट प्रिवेंट द एंट्रिंग ऑफ एटमोस्फेरिक एयर इन द सिस्टम। अब हम जानते हैं इधर से सक्शन की वजह से एटमोस्फेरिक एयर भी सिस्टम में आ सकता है या उधर से भी एटमोस्फेरिक एयर आ सकता है। तो दिस वाटर सील प्रिवेंट्स द एंट्रिंग ऑफ द एटमोस्फेरिक एयर इन द सिस्टम। तो व्हाट आर टू फंक्शन ऑफ दिस वाटर सील बॉटल या वाटर। तो वाटर फंक्शन एज अ सील वेंट और सो दिस बॉटल इज कॉल्ड वाटर सील बॉटल। पहला फंक्शन, इट जस्ट फंक्शन लाइक द वन वे वॉल्व। एंड सेकेंड, इट प्रिवेंट्स द एंट्रिंग ऑफ एटमोस्फेरिक एयर इन द सिस्टम। फिंस वाटर सील बॉटल के टू क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ द इंटरमिटेंट बबलिंग, क्या कहा, जैसे ही एयर या फ्लूड यानी ड्रेनेज इस बॉटल में आता है तो इसकी वजह से इंटरमिटेंट बबलिंग इस बॉटल के अंदर होता है, क्या होता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये इजीली जब आप क्लिनिकल में वर्क करोगे तो इजीली आपको ये सिस्टम वहां पर देखने को मिलेगा। तो दोस्त कहा जा रहा है कि यदि अगर वाटर सील बॉटल में इंटरमिटेंट बबलिंग हो रहा है तो व्हाट इज दिस। तो आपको कहना है कि सर यदि इंटरमिटेंट बबलिंग है तो दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग, ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। बट यदि दोस्त इस बॉटल के अंदर कंटिन्यूसली बबलिंग होने लगे, क्या होने लगे, यदि अगर हमने कहा वाटर सील बॉटल में कंटिन्यू बबलिंग हो रहा हो, कंटिन्यू बबलिंग यदि अगर इस बॉटल के अंदर हो रहा हो तो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग, ये क्या इंडिकेट करता है। तो फ्रेंड्स यदि कंटिन्यू बबलिंग हो रहा हो तो कहीं ना कहीं ट्यूब्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर ट्यूब में कहीं पर लूप हो सकता है। हो सकता है कि जो ट्यूबिंग सिस्टम है वो कहीं से मुड़ा हुआ है और इसलिए दोस्त इसमें क्या हो रहा हो, कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा हो, या फिर सक्शन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा हो। तो हम कहेंगे इफ सक्शन इज नॉट फंक्शनिंग, यदि सक्शन फंक्शन नहीं कर रहा हो तो भी दोस्त वाटर सील बॉटल में कंटिन्यूस बबलिंग शुरू हो जाता है अस्टिन। या फिर इसका कारण हो सकता है कि ट्यूब्स आर टू लॉन्ग, यदि ट्यूब्स बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है तो भी कंटिन्यूस बबलिंग शुरू हो जाता है। या फिर इसका रीजन हो सकता है फ्रेंड्स, कंटिन्यूस बबलिंग का कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, कि लंग्स रिमेंस ओवर एक्सपेंडेड, या फिर लंग्स हो सकता है एक्सपेंडेड ही रह जाएं, मीन्स रिकॉइल नहीं हो रहे हैं, यानी लंग्स के अंदर एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, लंग्स रिमेन एक्सपेंडेड। इफ लंग्स रिमेन एक्सपेंडेड देन इन दिस कंडीशन द कंटिन्यूस बबलिंग इज स्टार्टेड। तो देट आर द आंसर्स फॉर द कंटिन्यूस बबलिंग, यानी कि जब आपसे एम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, और आज के टेस्ट में मैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं। तो बहुत ही पैनी नजर से आप इस लेक्चर को पढ़िएगा अस्टिन। दोस्त यदि अगर हमने कहा इंटरमिटेंट बबलिंग है तो दैट इज नॉर्मल, बट इफ द कंटिन्यूस बबलिंग देन इट इज नॉर्मल। एंड व्हाट आर द रीजन फॉर द ऑसिलेशन और कंटिन्यूस बबलिंग और ऑसिलेशन स्टॉप। तो दोस्त यदि अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रहा है तो दैट इज ऑल्सो इंडिकेट द एयर लीक अस्टिन, एयर लीक। यदि अगर आप एक वर्ड में आंसर देना चाहें तो क्या आंसर करेंगे, एयर लीक। दोस्त ये सब वो कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में वाटर के अंदर ओसिलेशन स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप, ओसिलेशन स्टॉप, ओसिलेशन रुक जाएगा। यानी कि इनिशियली हमने कहा कंटिन्यूस बबलिंग होगा यदि एयर लीकेज है, कौन सी कंडीशन है जिनमें ओसिलेशन प्रॉपरली रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है।
ये सब कंडीशंस वो हैं जिसमें ऑसिलेशन बिल्कुल रुक जाएगा। दोस्त ऑसिलेशन क्या होता है आइए जानते हैं। जब हमने कहा कि जब लंग्स के अंदर इनहेलेशन और एक्सपायरेशन होता है तो उसी के साथ ही ड्रेनेज भी इन बॉटल्स के अंदर आकर कलेक्ट होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब लंग्स का इनहेलेशन होगा तो उस समय इस वाटर का लेवल बढ़ेगा, और जब एक्सपायरेशन होगा तो उस समय वाटर सील बॉटल में वाटर का लेवल घटेगा। तो याद रखिएगा, लगभग ये ऑसिलेशन वाटर के इस मूवमेंट को कहते हैं दोस्त ऑसिलेशन। क्या कहा जाता है? ऑसिलेशन। और लगभग ऑसिलेशन कितना तक होता है बॉटल में? तो लगभग 2 सेंटीमीटर तक ऑसिलेशन होता है। फ्रेंड्स, जब पेशेंट इनहेलेशन करता है यानी लंग्स में एयर इन आता है तो ऑसिलेशन वाटर का लेवल इसमें अप हो जाता है। जब एयर का एक्सपायरेशन होता है इट मींस लंग्स में से एयर आउट जाता है तो ऑसिलेशन डाउन हो जाता है, इट मींस वाटर का लेवल डाउन हो जाता है। तो याद रखिए दोस्त, ये थे ऑसिलेशन से रिलेटेड बात। नंबर थर्ड जो बॉटल होता है वो सक्शन बॉटल होता है, और सक्शन बॉटल में बहुत फास्ट बबलिंग हो रहा हो, यदि अगर सक्शन बॉटल के अंदर बहुत फास्ट बबलिंग होने लगे तो एयर लीकेज को इंडिकेट करता है। इफ फास्ट या विग्रेसली बबलिंग, यदि सक्शन बॉटल में बबलिंग फास्ट होने लगे दोस्त तो दैट इज इंडिकेटिंग ऑल्सो द एयर लीक। ये भी क्या इंडिकेट करता है? एयर लीक। तो फ्रेंड्स ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन इस सिस्टम के बारे में जिस सिस्टम को हम पढ़ना चाहते हैं। तो इनहेलेशन के दौरान वाटर सील बॉटल में फ्लूड का जो लेवल होता है वो अप होता है और एक्सहेलेशन के दौरान डाउन हो जाता है। अस्टिन फ्रेंड्स ऑलवेज इस सिस्टम को, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को, जो ट्यूब इंसर्शन का लेवल होता है उससे हमेशा नीचे रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। ट्यूब इंसर्शन साइड से हमेशा लो लेवल पर इस सिस्टम को रखना होता है बिकॉज इट ऑल्सो फंक्शन ऑन द ग्रेविटी। इस सिस्टम को हमेशा अपराइट रखना होता है, सीधा रखें, अपराइट रखें। अस्टिन आइए जानते हैं दोस्त, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, द वाटर सील और वाटरलेस सिस्टम। देखिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा दोस्त, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम्स में जो आप सुनते हैं सबसे पहला वो होता है वाटर सील ड्रेनेज। अस्टेन दूसरा चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम होता है दोस्तों वाटरलेस सिस्टम। और एक थर्ड होता है दोस्त ड्राई ड्रेनेज सिस्टम। अस्टेन तो तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं, वाटर सील ड्रेनेज, वाटर लेस ड्रेनेज और ड्राई ड्रेनेज। दोस्त यदि अगर इस वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम की या वाटर लेस सिस्टम की बात करें तो नंबर ऑफ बोटल्स के बेसिस पर भी इसको फिर से क्लासिफाई किया जा सकता है। वन बोटल सिस्टम, देन टू बोटल सिस्टम, देन थ्री बोटल सिस्टम। अस्टेन तो ये भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, वन बोटल सिस्टम भी हो सकता है, सेकेंड टू बोटल सिस्टम भी हो सकता है और थ्री बोटल सिस्टम भी हो सकता है। यूजुअली जो हम जानते हैं दोस्त वो हम
सबसे ज्यादा जो हम जानते हैं और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है थ्री बोतल सिस्टम। वाटर सील सिस्टम ही मोस्ट फेमस सिस्टम है। इसके अलावा वाटरलेस सिस्टम के बारे में भी हम आपको बताएंगे और ड्राई सक्शन सिस्टम यानी ड्राई सक्शन या ड्राई ड्रेनेज सिस्टम के बारे में भी आज आपको हम बताएंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। अब देखिए दोस्त, हमने कहा जैसे आपने ये देखा, इसमें यदि अगर एक ही ड्रेनेज बोतल ही यूज किया जाए तो ये ड्रेनेज बोतल ही यूज किया जाए तो वन बोतल सिस्टम कहलाता है। यदि टू बोतल्स को यूज करेंगे दोस्त तो इसे हम टू बोतल सिस्टम कहेंगे, और यदि अगर सक्शन बोतल भी इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो ये थ्री बोतल सिस्टम बन जाता है। अश्विन, अरे भाई बोलो बब्बर, शेरों और शेरनियों, बात समझ में आ रही है ना? जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ता हूं अब बात को। तो दोस्त बात समझ में आ गई होगी कि इतने इस तरीके से सक्शन सिस्टम होते हैं। अब हमने कहा था कि यदि फ्लूड बहुत ही कम अमाउंट में है यानी कि प्लूरल इफ्यूजन यदि बहुत ही कम अमाउंट में है तो थोड़ा सेंटेसिस से हमने रिमूव कर दिया था। बट यदि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी हुआ है और कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगा, बहुत ही ज्यादा फ्लूड कलेक्ट हो गया है, तो वी नीड्स टू इम्प्लीमेंट द कंटिन्यूस ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम, इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। दोस्त हमने कहा ये इस तरीके से कई प्रकार से इस वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को क्लासिफाई किया था। तो हमने कहा कि मोस्टली जो हम जानते हैं थ्री बोतल वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम यूज में लेते हैं। दोस्त आइए जानते हैं, ये सबसे पहले हम कहेंगे वाटर सिस्टम ड्रेनेज सिस्टम टाइप। तो देखिए वाटर सील सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं, टू चैम्बर वाटर सील और थ्री चैम्बर वाटर सील। दोस्त टू चैम्बर वाटर सील प्रोवाइड्स वन वे वॉल्व फॉर चेस्ट ड्रेनेज वाटर सील, प्रिवेंट्स री एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। दोस्त जो वाटर सील चैम्बर है, टू चैम्बर वाला वाटर सील है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो टू चैम्बर्स प्रोवाइड वन वे वॉल्व फॉर चेस्ट ड्रेनेज एंड वाटर सील प्रिवेंट्स द री एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। ऐसा ना हो जाए कि जब पेशेंट इनहेलेशन करे तो ये एयर वापस लंग्स में चली जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, लंग्स के अंदर इस एयर को वापस री एंट्री से प्रिवेंट करने के लिए ये वाटर सील काम करता है। दोस्त थ्री चैम्बर वाटर सील सिस्टम में थ्री चैम्बर एड अ चैम्बर टू द एयर इवैक्यूएशन ऑफ द चेस्ट ड्रेनेज। एयर के इवैक्यूएशन के लिए तीसरा चैम्बर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो ये सिस्टम थ्री चैम्बर थ्री बॉटल सिस्टम कहलाता है, थ्री चैम्बर वाटर सील सिस्टम कहलाता है, यानी सक्शन बॉटल भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? देन वॉट इज द एडवांटेज ऑफ द वाटर सील सिस्टम? इजी सेटअप एंड यूज कॉस्ट इफेक्टिव। इसके डिसएडवांटेज जानिएगा दोस्त कि वाटर सील सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सिस्टम मस्ट बी कैप्ट अपराइट टू मेंटेन द सील। सबसे पहली बात तो ये सिस्टम में जो वाटर मिडिल बोतल के अंदर वाटर फिल किया है हमने, अगर इसको आप अपराइट नहीं रखोगे, बिल्कुल सीधा नहीं रखोगे तो वाटर सील सिस्टम फंक्शन नहीं करेगा। तो सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही सीधा होना चाहिए, अपराइट होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर फंक्शन करेगा। तो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक क्या है दोस्त? सिस्टम मस्ट बी कैप्ट अपराइट। सिस्टम को आपको अपराइट ही रखना होता है तभी ये फंक्शन करेगा। ड्रेनेज चैम्बर में फिल अप क्विकली इफ पेशेंट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रेनेज। इस सिस्टम का दूसरा ड्रॉबैक क्या होता है दोस्त? इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही जल्दी अगर भर जाएगा यदि अगर बहुत लार्ज अमाउंट में ड्रेनेज हो रहे हो।
यदि ज्यादा ड्रेनेज हो रहे हो तो ड्रेनेज चैम्बर बहुत ही जल्दी फिल हो जाएगा, ये भी इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। स्टेराइल वाटर मस्ट बी एडेड सेवरल टाइम्स अ डे टू मेंटेन द सक्शन एंड वाटर सील बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। दोस्त हो सकता है कि आपको दिन में इसके अंदर 5-7 बार स्टेराइल वाटर भरना पड़े दोस्त सक्शन बोतल में। और हम जानते हैं स्टेराइल वाटर मस्ट बी एडेड सेवरल टाइम्स अ डे टू मेंटेन द सक्शन और वाटर सील बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। इस सिस्टम में से कंटिन्यूसली वाटर का इवेपोरेशन होता रहता है और इसलिए हमें हो सकता है कि दिन में कई बार वाटर सील वाली बॉटल में और सक्शन बॉटल में वाटर फिल करना पड़े। अस्टेन, तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द वाटर सील सिस्टम। ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, दिस इज द डिस्पोजेबल वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम विद सक्शन। अब सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा दोस्त कि ये डिस्पोजेबल है, इट मींस वन टाइम यूजेबल सिस्टम यूजुअल आता है जो यूज किया जाता है। 4 वन वे बोतल सिस्टम, ओपन अ स्टेराइल 2-way बोतल एंड एड द स्टेराइल वाटर, एंश्योर दैट द डिस्टल एंड ऑफ द लॉन्ग ट्यूब इज इमर्स्ड इन 2-3 centimeters ऑफ वाटर। दोस्त ये जो ट्यूब आता है, इस ट्यूब का लगभग 2-3 centimeters वाटर के अंदर इमर्ज होना चाहिए, डूबा रहना चाहिए। मार्क द वाटर लेवल इन द बॉटल, बॉटल पर वाटर लेवल कितना है ये आपको मार्क करना होगा। इंसर्ट द लॉन्ग एंड शॉर्ट ट्यूब थ्रू द 2-way कॉर्क इन द बॉटल। दोस्त इसके अंदर दो ट्यूब्स हमें इंसर्ट करना होता है। ये लॉन्ग ट्यूब है जो पानी में डूबा होगा, इमर्ज होगा, कितना, लगभग 2-3 centimeters। अंस्टीन, सेकेंड जो बोतल होगा, सेकेंड जो ट्यूब होगा ये कहलाता है शॉर्ट ट्यूब। और ये दोस्त क्या है, ये है कॉर्क, 2-way कॉर्क, 2-way कॉर्क। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड 1-way bottle system। 2-chamber वाटर सील सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ऑन एक्सपायरेशन फ्लूड और एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द इंट्राप्लूरल स्पेस। दोस्तों क्लाइंट जैसे ही एक्सपायरेशन करेगा तो ऑन एक्सपायरेशन फ्लूड या एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द इंटरप्लूरल स्पेस। पेशेंट जब एक्सपायरेशन करता है तो उसके साथ ही इंटरप्लूरल स्पेस से फ्लूड या एयर इस सिस्टम में आता है। देन सक्शन पुल एयर और फ्लूड थ्रू द चेस्ट ट्यूब इनटू द ड्रेनेज कलेक्शन चैम्बर। तो याद रखिएगा सक्शन क्या करेगा, इस फ्लूड को या इस एयर को ड्रेनेज चैम्बर में खींच लेगा। ऑन एंटरिंग द ड्रेनेज चैम्बर दिस फ्लूड और एयर डिस्प्लेस द एयर प्रेजेंट इन द चैम्बर बाय पुशिंग इट थ्रू द वाटर सील एंड आउट ऑफ द सिस्टम इनटू द एटमॉस्फेयर। यहां से हमने कहा कि इस प्रकार से जब पेशेंट एक्सपायरेशन करेगा तो उस समय एयर इस बॉटल के अंदर आता है, यहां से ये वाटर से मूव करके और इस बॉटल के अंदर जाता है और यहां से रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अस्टेंड दोस्त, To maintain the water seal system, the chest tube system must remain upright. Water seal तभी काम करेगा जब आप इस सिस्टम को upright position में maintain करेंगे। यदि कहा जाए, in case of 2-bottle system, the first bottle is used to collect the fluid. तो two chambers वाले सिस्टम में पहला जो चैम्बर होता है, first जो बोटल होता है, to collect the fluid and air from the pleural space. And the second bottle serve as the water seal. तो दोस्त याद रखिएगा 3-chamber की तुलना में इसमें कौन सा बॉटल नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें सक्शन बोटल नहीं होता है। कौन सा बोटल नहीं होता है, सक्शन बोटल। प्रिपेयर द वाटर सील चैम्बर एज मेंशनड अबो, प्रिपेयर अनदर एम्प्टी स्टेराइल 2-way bottle विथ 2 tubes, कनेक्ट द ट्यूब बोटल एज शोन इन फिगर 1। इस तरह से
चैम्बर वाटर सील सिस्टम में बोटल्स आपस में कनेक्ट होती है। ये जो ट्यूब है ये पेशेंट से आता है, देन उसके बाद स्टेराइल वाटर वाली बोतल के अंदर ये ट्यूब चला जाता है। थ्री चैम्बर वाटर सील सिस्टम के बारे में बात करते हैं दोस्त। थ्री चैम्बर्स वाटर सील सिस्टम, थ्री चैम्बर वाटर सील सिस्टम में इफ द सक्शन इज यूज्ड, द थ्री चैम्बर वाटर सील सिस्टम इज सेट अप विद द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। यदि टू चैम्बर और थ्री चैम्बर में डिफरेंस की बात की जाए तो यहां एक नया बोतल ऐड कर दिया जाता है और वो बोतल होता है इस सिस्टम में सक्शन बोतल। ओके, तो सक्शन बोतल इज यूज्ड। अ प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ द स्टेराइल फ्लूइड, कितना 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज पाउर्ड इन द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। लगभग सक्शन कंट्रोल चैम्बर में जो प्रेशर होगा वाटर का वो लगभग 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O, इतना पानी आपको भर देना है। इसमें आपको प्रेशर बताने वाला सक्शन वॉल्व मैंने बताया था, तो ये आपको प्रेशर बता देगा। आपको सक्शन चैम्बर का प्रेशर लगभग कितना रखना होता है, 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O, which is then attached to the suction source by tubing. और finally इस वाली बोतल को किससे कनेक्ट किया जाएगा, attached to a suction source by tubing. The amount of sterile water added depends on the manufacturer's recommendation. इस amount में variation भी हो सकते हैं दोस्त, ये अलग अलग system के according different हो सकता है। It means this depend on the manufacturer's policy. Clear है? Then, in case of three bottle system, the first bottle is used to collect the fluid, पहला bottle fluid collect करने के लिए, and air, floral space. Second bottle serve as the water seal, and the third bottle is to control the amount of suction applied. Prepare the first and second bottle as in the two bottle system. दोनों बोतल फर्स्ट सेकंड बोतल उसी तरह से तैयार की जाएगी जैसे कि टू सिस्टम में आपने देखा। एड 20 सेंटीमीटर ऑफ स्टेराइल वाटर इन द थर्ड स्टेराइल बोतल। इंसर्ट टू शॉर्ट ट्यूब्स एंड लॉन्ग ट्यूब्स थ्रू द थ्री वे कॉर्क इन द बोतल। अस्टिन गाइस, देन कनेक्ट द बोतल्स एज शोन इन द फिगर थर्ड। देखिएगा थ्री वे सिस्टम कुछ इस प्रकार का होता है। फर्स्ट बोतल जो आप देख रहे हैं ये ड्रेनेज बोतल है, ये वाटर सील बोतल है, और जो थर्ड बोतल आप देख रहे हैं ये सक्शन बोतल है। अस्टिन दोस्त, जैसा कि मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में भी डिस्प्ले कर चुका हूं, तो दिस सिस्टम इज द थ्री वे बोतल सिस्टम। दूसरे प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम, तो ये पहला जो टाइप का सिस्टम था दोस्त ये था वाटर सील बोतल सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, जिसमें मिडिल बोतल जस्ट फंक्शन लाइक दैट द वाटर सील या वन वे वॉल्व टू प्रिवेंट द री एंट्री ऑफ द एयर इन द लंग्स। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट सेकेंड टाइप ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम्स आर अवेलेबल, दे आर वाटरलेस। Just we are going to know about the waterless drainage systems. So friends, waterless systems, what is the function of this system? It also provide three chamber. Chamber to isme bhi kitne honge? Three chambers honge. But no water is required to establish a seal. लेकिन इस सिस्टम में सील मेंटेन करने के लिए वाटर की आवश्यकता या पानी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। What is the advantage of this system? Water seal maintained even if system is knocked over the more space provided for the drainage. दोस्त, इस सिस्टम की खास बात यह होती है कि यदि अगर आप इसको एक से ज्यादा locations पर भी insert करते हो तो भी इस सिस्टम के अंदर water seal अपने आप ही maintain रहेगा। Clear है? ड्रॉबैक क्या है? वाटर मस्ट बी एडेड टू सिस्टम इफ पेशेंट रिक्वायर्स इवेल्युएशन ऑफ एयर लीक। इसका ड्रॉबैक यह है दोस्त कि यदि अगर आपको इस सिस्टम में एयर लीकेज को पकड़ना है तो फिर आपको इसमें वाटर ऐड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये इस सिस्टम का, वाटरलेस सिस्टम का
ड्रॉबैक होता है। तो खास बात तो क्या है, वाटर सील मेंटेन्ड, वाटर सील हमेशा मेंटेन रहेगा इवन इफ सिस्टम इज नॉक्ड ओवर द मोर स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ड्रेनेज। वाटर मस्ट बी एडेड टू अ सिस्टम इफ पेशेंट रिक्वायर एवेल्युएशन ऑफ एयर लीक। हस्टीन, दिस सिस्टम डिस्पोजेबल वाटरलेस चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम विद सक्शन। यदि अगर दोस्त आपसे इस तरह का डायग्राम पूछा जाए, ये इमेज में शो कर रहा हूं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डिस्पोजेबल वाटरलेस सिस्टम है, वाटरलेस चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। वाटरलेस चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये पेशेंट चेस्ट ड्रेनेज ट्यूबिंग है, देन नेगेटिव सक्शन डिस्प्ले, एयर फ्लो टू सक्शन सोर्स, यहां से ये सक्शन सोर्स से कनेक्ट होगा और इस तरह का सिस्टम ये होता है। वाटर सील सिस्टम्स भी दो चैम्बर वाले, वाटरलेस जो सिस्टम है दोस्त ये भी टू चैम्बर वाले या थ्री चैम्बर वाले दोनों प्रकार के अवेलेबल होते हैं। टू चैम्बर वाटरलेस सिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ द वाटरलेस सिस्टम आर सिमिलर टू दोज ऑफ द वाटर सील सिस्टम एक्सेप्ट दैट फ्लूड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेटअप। दोनों में यदि मेजर डिफरेंस कहा जाए तो सब कुछ सिमिलर होता है, केवल वाटरलेस सिस्टम में एस्टैब्लिश करने के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। तो एक्सेप्ट द फ्लूड इज नॉट रिक्वायर फॉर सेटअप, द वाटर सील इज रिप्लेस्ड बाय अ वन वे वॉल्व लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द सिस्टम। दोस्तों वाटर सील सिस्टम में वाटर सील का जो कार्य करता है वो वाटर करेगा, बट इन वाटरलेस सिस्टम दिस इज रिप्लेस्ड बाय वन वे वॉल्व। यानी कि वाटरलेस सिस्टम में जो वाटर सील का कार्य करता था दैट इज रिप्लेस्ड किसके द्वारा, बाय वन वे वॉल्व, जो कहां होता है, लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के टॉप पर ये वॉल्व लगा होता है और ये वॉल्व काम करता है वाटर सील की तरह। मोस्ट ऑफ द कंटेनर सर्व एज द ड्रेनेज चैम्बर, द सक्शन चैम्बर डज नॉट डिपेंड ऑन द वाटर। इस सिस्टम की खास बात है कि सक्शन चैम्बर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वाटर, इंस्टेड इट कंटेन अ फ्लोट बोल। इसके अंदर एक और नई बात आप जान लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको सिस्टम में बताया था, इसमें एक फ्लोट बोल होता है, छोटा सा बॉल होता है, विच इज सेट बाय अ सक्शन कंट्रोल डायल। और इस बॉल को सेट करने के लिए क्या होगा दोस्त, सक्शन कंट्रोल डायल होता है आफ्टर द सक्शन सोर्स इज टर्न्ड ऑन। अ डायग्नोस्टिक एयर लीक इंडिकेटर इज लोकेटेड ऑन द फेस ऑफ द यूनिट। एयर लीक इंडिकेटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में एयर लीक को जानने के लिए एयर लीक इंडिकेटर भी लगा होता है। इट रिक्वायर द एडिशन ऑफ 15 ml ऑफ फ्लूड फॉर विजुअलाइजेशन। दोस्त सक्शन बोतल के अंदर इसमें 15 ml फ्लूड की आवश्यकता हो सकती है। द फंक्शन ऑफ द इंडिकेटर इज टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द फॉलोइंग। इंडिकेटर के क्या फंक्शन होते हैं आइए जानते हैं। इंडिकेटर का फर्स्ट फंक्शन, द लग्स इज एक्सपेंडिंग नॉर्मली, दिस इज इंडिकेटेड बाय द जेंटल टाइडलिंग ऑफ द फ्लूड इन द डायग्नोस्टिक इंडिकेटर। दोस्त डायग्नोस्टिक इंडिकेटर होगा, उस डायग्नोस्टिक इंडिकेटर में लगभग 15 ml फ्लूड होता है और ये क्या क्या इंडिकेट करता है आइए जानते हैं। सबसे पहला हमने कहा द लंग्स इज एक्सपेंडिंग नॉर्मली, यदि लंग्स नॉर्मली एक्सपेंड हो रहे हैं, लंग्स इज एक्सपेंडिंग नॉर्मली, तो किस तरह से आपको ये इंडिकेटर बताएगा, तो दिस इंडिकेटेड बाय द जेंटल टाइडलिंग। जेंटली टाइडलिंग इसके अंदर हो रहा है तो फ्लूड डायग्नोस्टिक इंडिकेटर के अंदर, तो दोस्त यदि डायग्नोस्टिक इंडिकेटर में जेंटल टाइडलिंग हो रहा है तो इट इज इंडिकेटिंग द लंग्स इज एक्सपेंडिंग द नॉर्मली। इफ द लंग इज प्रोबेबली री एक्सपेंडेड इफ आफ्टर 2 to 3 days the tidaling has stopped, lungs is
प्रोबेबली रीएक्सपेंडेड। यदि लंग्स में रीएक्सपेंडेड हो, लंग्स रीएक्सपेंड हो रहे हैं दोस्त, रीएक्सपेंडेड लंग्स किस तरह से इस इंडिकेटर में इंडिकेट किए जाएंगे, तो आफ्टर 2 to 3 days द टाइडलिंग हैज स्टॉप। 2 से 3 दिन के बाद इस सिस्टम के जो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर है इसमें टाइडलिंग नहीं होगा। देयर इज एन एयर लीक इन द सिस्टम। यदि अगर सिस्टम में एयर लीक है, तो व्हेन द फेसिंग द सिस्टम द ऑब्जर्व सीज द फ्लूड बबलिंग लेफ्ट टू राइट। तो इसका जो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर का फ्लूड होता है दोस्त, वो किस तरह से मूव करने लगेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर इसमें मूव करने लगे, तो ड्राई सील सिस्टम जो हम कह रहे हैं, वाटरलेस सिस्टम जो हम कह रहे हैं दोस्त, इसका जो डायग्नोस्टिक इंडिकेटर है इसमें लगभग 15 ml वाटर होता है, और 15 ml वाटर होता है इस वाटर में जो हम कह रहे हैं टाइडलिंग हो रहा है, तो नॉर्मली लंग्स एक्सपेंशन हो रहा है, मीन्स टाइडलिंग रीएक्सपेंशन होने लगे, तो 2 से 3 दिन के बाद इसके अंदर टाइडलिंग रुक जाएगा। यदि हमने कहा दोस्त कि इसमें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करने लगा है फ्लूड, तो मींस क्या समझेंगे कि एयर का लीकेज लगा है। लोकेट और करेक्ट द सोर्स ऑफ द एयर लीक। आपको इसके इस एयर लीकेज को लोकेट करके और इसे करेक्ट करना होगा कहां से लीकेज हो रहा है। 3 chamber वाटरलेस सिस्टम। When suction is ordered, attach the suction chamber port to the suction source by tubing, turn the suction on and set the fluid ball to the prescribed setting. Third type का जो suction drainage system है दोस्त, वो होता है dry suction system. आइए जानते हैं dry suction system. Also provides 3 chamber. Chamber तो इस suction system में भी 3 होते हैं, but no water is required to establish a seal. What is the advantage? Easy setup, quiet operation can be used when higher level of suction are required. दोस्त, यदि अगर higher level of suction required, then this type of the drainage system will be preferred. What is the disadvantage or drawback? Sterile water must be added to the system if patient requires suction. यदि पेशेंट को सक्शन की जरूरत होती है, तो इसमें स्टेराइल वाटर भी ऐड करने की जरूरत पड़ सकती है। दैट इज ओनली द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। दिस इमेज इज शोविंग, ये जो आप देख रहे हैं दोस्त, ड्राई सक्शन चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है, जो आपको मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी शो किया था। अस्टीन, तो ये अभी आपको मैं जो कह रहा था वो थोड़ा सा मैं यहां डिस्प्ले करता हूं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्त, ये है पेशेंट प्रेशर फ्लोट बॉल। जिस बॉल के बारे में, इंडिकेटर बॉल के बारे में हम बात कर रहे थे, वो यहां पर है। एयर लीक मॉनिटर, ये एयर लीक मॉनिटर है। अनस्ट्रेन, ये सक्शन मॉनिटर है। ड्राई सक्शन रेगुलेटर है। अनस्ट्रेन, पॉजिटिव प्रेशर वॉल्व है, तो एक पॉजिटिव प्रेशर वॉल्व। इनलाइन कनेक्टर है, सक्शन पोर्ट है, वाटर सील चैम्बर है, निडल लेस एक्सेस पोर्ट है, कलेक्शन चैम्बर है, और पेशेंट ट्यूब क्लैंप पे पेशेंट कनेक्टर है, और स्विंग आउट फ्लोर स्टैंड है। ओके दोस्त, तो ये है इस प्रकार का ड्राई सक्शन सिस्टम। ड्राई सक्शन सिस्टम कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड मैनी एडवांटेजेस, इंक्लूडिंग द, क्या क्या फायदे हैं इसके, तो एडवांटेजेस जानते हैं, इंक्लूडिंग हायर सक्शन प्रेशर लेवल। बाकी सिस्टम्स की तुलना में इसका सक्शन प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, इजी सेटअप होता है, पानी वानी की ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है, एंड द लैक ऑफ कंटिन्यूस बबलिंग, कंटिन्यूस बबलिंग इसके अंदर होने की संभावना कम होती है, विच प्रोवाइड्स फॉर द क्वाइट ऑपरेशन। जब हमें बिल्कुल क्वाइट ऑपरेशन, यानी जैसे बबलिंग होती है तो बबलिंग से आवाज होती है सिस्टम में, तो जब आपको क्वाइट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जिसमें कोई साउंड नॉइस नहीं होना चाहिए, तो ये सिस्टम वहां पर काम आएगा। अस्टेट, देयर इज नो फ्लूड टू एवेपोरेट व्हिच डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सक्शन नेसेसरी। द सेल्फ कंपेंसेटिंग रेगुलेटर कंट्रोल द ड्राई सक्शन यूनिट।
a dial is set to the prescribed suction control setting. These units are preset to 20 centimeter of water pressure, but they are adjustable. ये जो suction pressure होता है 10 to 40 centimeter तक adjust किया जा सकता है. However, the dry suction control the system require or have the pre-sealed sterile water in the water seal chamber. तो ये थे दोस्त water के drainage chambers यानी कि chest tube drainage chambers. I hope you understand, बात समझ में आया होगा. एक बार में नहीं आया तो लेक्चर को दो तीन बार आप देख लेना, आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा. लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी आप तक मेरी जानकारी पहुंचाना. अंडरस्टैंड, अगर समझ में नहीं भी आया है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि ऐसा भी होता है, दैट इज मोस्ट नेसेसरी थिंग. अंडरस्टैंड, लेक्चर को रिपीट भी कर सकते हो आप क्लास फिनिश होने के बाद में, तो दो तीन बार चार बार अगर आप देखेंगे तो आपको इवन हर बात समझ में आ जाएगा. तो अलग अलग प्रकार के वाटर सील सिस्टम्स हम आपको बता चुके हैं दोस्त. तो हमने कहा था कि आज इवन वो सब आपको बताएंगे जो हो सकता है आपको पता ना हो. क्लियर है? अरे भाई बोलो, एक बार बता दीजिएगा मुझे कि बात कितनी समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ेंगे. प्रियंका सिंह, क्यों क्लियर नहीं दिख रहा बेटा? सबको बढ़िया दिख रहा है यार, अच्छा ही तो दिख रहा है, कोई तकलीफ है क्या दिखने में? राजेश यादव, हो गया ना कंफ्यूजन क्लियर? वेरी गुड. मुकेश कुमावत, मजा आ गया, वेरी गुड. मजा ही आना चाहिए, बुगली की क्लासेस पढ़े और मजा ना आया तो फिर मजा ही क्या. थैंक यू सो मच, अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत खुशी हुई जान करके. क्योंकि देखो दोस्तों यहां पर क्या होता है, ऑफलाइन बैचेस के अंदर हमें आपके चेहरे दिखते हैं और हम चेहरा देख करके ये पता लगा लेते हैं कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं. लेकिन इस ऑनलाइन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें आपका चेहरा नहीं दिखता है और हम आपका चेहरा देख के पढ़ाना चाहते हैं. आपकी चेहरे से, आपके फेस से कुछ समझाने के बाद, कुछ जैसे ही हम समझाते हैं, समझाने के बाद आपका फेस देखकर हमें पता चल जाता है दोस्त कि आपका एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, आपको कितनी बात समझ में आई है. लेकिन बस ऑनलाइन सिस्टम का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमें आपका फेस नहीं दिखता, एक्सप्रेशन हमें नहीं दिख पाते हैं कि आप क्या फील करें, कितना आपको समझ में आया है. इसलिए आपसे पूछना पड़ता है, इसलिए मुझे बीच बीच में आपसे फीडबैक लेने आना पड़ता है कि भाई बोलो समझ में आ गई ना बात, समझ आ रहा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच. अरे सिमी पाल, थैंक यू. बेटा कल रात को 5-5:30 बजे तक तो ये क्लास प्रिपेयर हुआ, 5:30 बजे तक तो इस लेक्चर के नोट्स बने पूरे कंप्लीट, राइट? ये सब बनाना और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करके और सुबह पढ़ाना था. 10 बजे क्लास थी, टाइम थोड़ा सा चेंज करके और 11 बजे करना पड़ा, राइट? अब आई होप कि मुझे लगता है अब आपको कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी. ड्रेनेज सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, लाइक अ डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर की तरह क्लियर हो गया होगा. क्लियर है? लव यू सर, लव यू डियर दिनेश मीना, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल, थैंक यू जय कुमार. मैंने पता है, मुझे आपको एक ही पता था, वाटर सील ड्रेनेज और वो 3 बोतल वाला. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि दोस्त बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है, इस लेक्चर में हम वो सब जानेंगे जो आपको नहीं पता है. ठाकुर सिंह, यू आर सेइंग वेरी राइट,
चलो अब आगे बढ़ता हूं, मुझे मिल गया है आप सबका जवाब, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है आपको। चलिएगा अब दोस्त, हम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम या कोई भी ड्रेनेज सिस्टम, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम को हम इम्प्लांट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो व्हाट इक्विपमेंट्स वी नीड। यहां से भी बड़ा ही जानदार क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे, तो क्या क्या हमें आवश्यक होगा, आइए जानते हैं इक्विपमेंट्स। तो फ्रेंड सबसे पहली बात हम करते हैं, तो हमें क्या क्या आवश्यक होंगे, तो जानिएगा इक्विपमेंट्स में सबसे पहला प्रेस्क्राइब चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। जिस भी टाइप का चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम आवश्यक हो, सबसे पहले वो ड्रेनेज सिस्टम हमें आवश्यक होगा। सक्शन सोर्स चाहिए जिससे कनेक्ट करेंगे, और सेटअप सक्शन सोर्स दोनों टाइप के बता रखे मैंने, वाल सक्शन और पोर्टेबल सक्शन दोनों बता रखे हैं पिछले क्लासेस के अंदर, जब आपको एनजी और ट्रेकिस्टोमी सक्शनिंग पढ़ाया था। नेक्स्ट वाटर सील सिस्टम अगर है तो एट द स्टेराइल ऑफ वाटर और एनएस। यदि अगर वाटर सील सिस्टम है दोस्त, तो इसमें क्या ऐड किया जाता है, स्टेराइल वाटर या फिर एनएस। सॉल्यूशन टू कवर द लोअर 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच ऑफ द वाटर सील यू ट्यूब। इसके अंदर कौन सा ट्यूब होता है, यू ट्यूब होता है, यू ट्यूब, कौन सा यू ट्यूब जिस पे आप पढ़ रहे हो। तो सॉल्यूशन टू कवर द लोअर 2.5 या 1 इंच ऑफ द वाटर सील यू ट्यूब, और पोर द स्टेराइल वाटर और एनएस इन टू द सक्शन कंट्रोल चैम्बर इफ सक्शन इज टू बी यूज। यदि अगर वाटरलेस सिस्टम है तो एड अ वाइल ऑफ 30 से 45 ml स्टेराइल सोडियम क्लोराइड और द वाटर फॉर डायग्नोस्टिक एयर लीक इंडिकेटर। दोस्त डायग्नोस्टिक एयर लीक इंडिकेटर, वाटरलेस जो चैम्बर होता है इसके अंदर 30 से 45 ml स्टेराइल सोडियम क्लोराइड यानी NaCl या फिर वाटर डायग्नोस्टिक एयर लीक चैम्बर में इंडिकेटर के पर्पज से ऐड किया जाता है। 20 ml की सिरिंज चाहिए, 21 गोज का निडिल चाहिए और एंटीसेप्टिक स्वैब की आवश्यकता होती है। ड्राई सक्शन सिस्टम, तो ये तीन प्रकार के सिस्टम है, जिस भी तरह का सिस्टम प्रेस्क्राइब किया जाए वैसा सिस्टम हमें आवश्यक होता है। दोस्त क्लीन ग्लव्स चाहिए, स्टेराइल गोज स्पंज चाहिए, लोकल एनेस्थेटिक चाहिए इफ नॉट एन इमरजेंसी प्रोसीजर, हेड कवर, फेस मास्क और स्टेराइल ग्लव्स। चेस्ट ट्यूब ट्रे में क्या क्या होगा, आइए जानते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, स्किल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है चेस्ट ट्यूब ट्रे। ऑल आइटम्स आर स्टेराइल, नाइफ हैंडल एक, चेस्ट ट्यूब क्लैंप, स्मॉल स्पंज फोर्सेप, कौन सा फोर्सेप चाहिए, स्पंज फोर्सेप, निडल होल्डर, नाइफ ब्लेड नंबर 10, 30, सिल्क सूचर, दोनों क्वेश्चन याद रखना, ब्लेड नंबर 10, नाइफ ब्लेड जिससे हम कट लगाएंगे, जहां से ट्यूब इंसर्ट करेंगे वहां कट लगाने के लिए कौन सा ब्लेड चाहिए, तो नाइफ ब्लेड 10 नंबर का, और 30 सिल्क सूचर चाहिए, कौन से सूचर, 30 सिल्क सूचर। ट्रे लाइनर स्टेराइल फिल्ड, कर्व्ड 8 इंच कैली क्लैंप, एक कौन सा क्लैंप, कैली क्लैंप कितने चाहिए, 2, 4x4 इंच स्पंज कितने, 10, सूचर सीजर, हैंड टॉवल 3 चाहिए, स्टेराइल ग्लव्स। दूसरा ड्रेसिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, आइए जानते हैं। तो ये सब आइटम थे चेस्ट ट्यूब ट्रे के अंदर। अब हम बोलते हैं ड्रेसिंग के लिए क्या आवश्यक होगा, तो ड्रेसिंग के लिए पेट्रोलियम गोज, स्प्लिट चेस्ट ट्यूब ड्रेसिंग, सेवरल 4x4 इंच गोज ड्रेसिंग, लार्ज गोज ड्रेसिंग 2 एंड 4 इंच टेप और इलास्टिक बैंडेज, इलास्टोप्लास्ट जिसको हम कहते हैं, ओके ये हमें ड्रेसिंग के लिए आवश्यक होंगे। टू रबर टिप हेमोस्टेट शॉर्टेड फॉर ईच चेस्ट ट्यूब। दोस्त जो ये हीमोस्टैट्स होते हैं, हीमोस्टैट्स की मदद से हम ट्यूब्स को फिक्स करते हैं, तो हीमोस्टैट ट्यूब को फिक्स करने के लिए चाहिए, तो 2 रबर हीमोस्टैट चाहिए हमें जिसमें हम ट्यूब को फिक्स करेंगे, ताकि जब पेशेंट मूव करेगा तो उसके साथ साथ ट्यूबिंग वगैरह ज्यादा मूव नहीं हो, ओके। 1 इंच एडेसिव टेप फॉर द टैपिंग कनेक्शन और प्लास्टिक जिप टाई,
स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर। आइए जान लेते हैं अब हम प्रोसीजर के बारे में। ओके, तो चलिएगा प्रोसीजर जानते हैं। आइडेंटिफाई द पेशेंट यूजिंग टू आइडेंटिफायर, नेम और बर्थडे जैसा हमेशा आपसे कहा है। एंश्योर द करेक्ट पेशेंट, चेक द एजेंसी पॉलिसी एंड डिटरमाइन वेदर द इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज नीडेड। इन्वेसिव मेडिकल प्रोसीजर टिपिकली रिक्वायर इन्फॉर्म कंसेंट। रिव्यू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर फॉर द चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट। इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब रिक्वायर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर। परफॉर्म हैंड हाइजीन, मेंटेन्स द स्टेरिलिटी ऑफ सिस्टम फॉर यूज अंडर द स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम कंडीशंस। सेट अप द वाटर सील सिस्टम और ड्राई सिस्टम विद सक्शन। क्लियर है गाइस? देन हाउ टू सेट अप द वाटर सील सिस्टम। हाउ टू सेट अप द वाटर सील सिस्टम, तो इन द फर्स्ट स्टेप ऑब्टेन द चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, रिमूव द रैपर और प्रिपेयर टू सेट अप अ टू और थ्री चैम्बर सिस्टम। दोस्त ये डिस्पोजिबल आता है और इसलिए रैपर में से इसे निकालें और निकाल के जैसा भी आपको ऑर्डर दिया गया है टू या थ्री चैम्बर वैसा हम इसको सेटअप करेंगे। ओके, व्हाइल मेंटेनिंग द स्टेरिलिटी ऑफ ड्रेनेज ट्यूबिंग, स्टैंड सिस्टम अपराइट एंड एड द स्टेराइल वाटर और नेस्ट टू अप्रोप्रिएट कंपार्टमेंट्स। वाटर सील में और सक्शन में जिसमें भी जितना जितना वाटर आपको फिल करना है वो आपको वाटर फिल कर देना है। इस सिस्टम को अपराइट पोजीशन में मेंटेन करना है और वाटर फिल कर देना है। तो रैपर से आपने निकाला, अपराइट रखा और जितना भी वाटर या एनएस आपको जिस कंपार्टमेंट में फिल करना है वो आपने कर दिया। देन टू चैम्बर सिस्टम विदाउट सक्शन, यानी टू चैम्बर सिस्टम में क्या नहीं होता है, विदाउट सक्शन। Add the sterile solution to water seal chamber, second chamber. Bring in fluid to require the level as indicated. तो हम तैयार कर रहे हैं कौन सा, टू चैम्बर सिस्टम। तो हम क्या जानते हैं इसमें सक्शन चैम्बर नहीं है और इसलिए एट द स्टेराइल सोल्यूशन टू वाटर सील चैम्बर सेकेंड चैम्बर में स्टेराइल सोल्यूशन फिल कर दें। वाटर सील चैम्बर एक्ट एज द वन वे वॉल्व, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो एयर कैन नॉट एंटर द प्लूरल स्पेस। देन थ्री चैम्बर सिस्टम विद सक्शन, तीन चैम्बर सिस्टम में क्या नई बात होती है, सक्शन भी होता है। तो एड द स्टेराइल सोल्यूशन टू द वॉटर सील चैम्बर यानी मिडिल चैम्बर और एट द अमाउंट ऑफ द स्टेराइल सोल्यूशन प्रेस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू द सक्शन कंट्रोल, इट मीन्स थर्ड चैम्बर में यूजुअली 20 सेंटीमीटर H2O प्रेशर। यूजुअली जो आपसे प्रेशर पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर उसमें आपको जवाब देना है सक्शन चैम्बर का प्रेशर 20 सेंटीमीटर ऑफ H2O मेंटेन किया जाता है। कनेक्ट द ट्यूबिंग फ्रॉम सक्शन कंट्रोल चैम्बर, उसके बाद जो ट्यूब्स हैं उसको सक्शन कंट्रोल चैम्बर से कनेक्ट कर दें और सक्शन सोर्स से इसको जोड़ दीजिएगा। टेलर लेंथ ऑफ द ड्रेनेज ट्यूब टू पेशेंट, देन डेप्थ ऑफ द रोड बिलो द फ्लूड लेवल डायरेक्ट द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द नेगेटिव प्रेशर दैट कैन बी प्रीसेट विद द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर ऑफ वॉटर इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर ऑफ वॉटर प्रेशर। ड्राई सक्शन सिस्टम, फिल द वॉटर सील चैम्बर। दोस्त ड्राई सक्शन सिस्टम को कैसे प्रिपेयर करते हैं आइए जानते हैं। ड्राई सक्शन सिस्टम को तैयार कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के जिस तरह का भी प्रेस्क्राइब किया गया है उसी प्रकार का सिस्टम यूज में लिया जाता है। तो ड्राई सक्शन सिस्टम, फिल द वॉटर सील चैम्बर विद द स्टेराइल सोल्यूशन। तो ड्राई सक्शन सिस्टम में भी याद रखिए वॉटर सील चैम्बर विद स्टेराइल सोल्यूशन, एडजस्ट द सक्शन कंट्रोल डायल टू प्रेस्क्राइब लेवल ऑफ द सक्शन, सक्शन रेंज फ्रॉम 10 टू 40 सेंटीमीटर ऑफ वॉटर प्रेशर। याद रखना ड्राई सक्शन सिस्टम में सक्शन का
रेंज क्या होता है, तो 10 to 40। सक्शन कंट्रोल चैम्बर वेंट इज नेवर ऑक्लूडेड व्हेन सक्शन इज यूज्ड। इसकी खास बात क्या होती है दोस्त, इसमें सक्शन वेंट कभी भी ऑक्लूड नहीं होता है। देन ऑटोमेटिक कंट्रोल वॉल्व ऑन द ड्राई सक्शन कंट्रोल डिवाइस एडजस्ट टू चेंजेस इन द पेशेंट एयर लीक्स एंड फ्लक्चुएशन इन द सक्शन सोर्स एंड वैक्यूम टू डिलीवर द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ सक्शन। नोट देखिए, ऑन द ड्राई सक्शन सिस्टम डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द पॉजिटिव प्रेशर रिलीफ वॉल्व, दिस अलाउ द एयर टू एस्केप। सेटअप द वाटरलेस सिस्टम। वाटरलेस सिस्टम को किस तरह से सेटअप किया जाएगा, रिमूव द स्टेराइल रैपर और प्रिपेयर टू सेटअप। फॉर टू चैम्बर सिस्टम विदाउट सक्शन नथिंग इज एडेड और नीड टू बी डन टू द सिस्टम। फॉर थ्री चैम्बर सिस्टम विद सक्शन कनेक्ट द ट्यूबिंग फ्रॉम सक्शन कंट्रोल चैम्बर टू सक्शन सोर्स। इंस्टिल 15 to 45 mL of sterile water or NS into the diagnostic indicator injection port located on the top of the system. याद रखना दोस्त, यदि अगर आप क्या तैयार कर रहे हो, वाटरलेस सिस्टम अगर हम तैयार कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, तो फिर हमें 15 to 45 mL sterile water या NS फिल करना होता है। किसमें? डायग्नोस्टिक इंडिकेटर में। डायग्नोस्टिक इंडिकेटर कहां होता है, तो एट द टॉप ऑफ द सिस्टम। अलाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द राइज एंड फॉल इन द वाटर इन द डायग्नोस्टिक एयर लीक विंडो, कॉन्स्टेंट लेफ्ट टू राइट बबलिंग और रोकिंग इज एबनॉर्मल। याद रखिए दोस्त, यदि अगर ये डायग्नोस्टिक इंडिकेटर में लेफ्ट टू राइट बबलिंग होने लगे, तो दिस इज एबनॉर्मल, जो कि हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। Indicating an air leak, और ये क्या इंडिकेट करता है? Air leak को इंडिकेट करता है। This is not necessary for the mediastinal drainage because there is no tidaling. In an emergency system, does not require the water for setup. Secure the all tubing connection with the tape in the double spiral fashion. ट्यूब के माध्यम से जो टैप लगानी है आपको ट्यूब से, यानी ट्यूब्स में कहीं से लीकेज ना होना चाहिए, और इसीलिए इसको हम टैप से पूरी तरह से सिक्योर करते हैं। तो टैप जब लगाओगे तो दो बार आपको घुमाना है, इसे कहते हैं दोस्त डबल स्पाइरल। ओके, यूजिंग 2.5 cm यानी 1 inch एडेसिव टैप। तो ट्यूबिंग को सिक्योर करने के लिए आपको 2.5 cm वाला या 1 inch वाला एडेसिव टैप यूज करना होता है। नाइलॉन केबल, इसे जिप टाई या यूज जिप टाई या नाइलॉन केबल विद अ क्लैंप। चेक द सिस्टम फॉर पेटेंसी। सिस्टम को पेटेंसी के लिए चेक करें। क्लैंपिंग ड्रेनेज ट्यूबिंग दैट विल कनेक्ट टू द पेशेंट चेस्ट ट्यूब, कनेक्टिंग ट्यूबिंग फ्रॉम द फ्लोट बॉल चैम्बर टू सक्शन सोर्स, टर्निंग ऑन द सक्शन टू द प्रेस्क्राइब्ड लेवल, प्रिवेंट्स एटमोस्फेरिक एयर फ्रॉम लीकिंग इनटू द सिस्टम ऑन पेशेंट इंट्रापल्मनरी स्पेस, प्रोवाइड चांस टू एंश्योर द ऑल राइट एयर टाइट सिस्टम बिफोर कनेक्टिंग टू द पेशेंट। टर्न ऑफ द सक्शन सोर्स। क्या कहा हमने? सक्शन सोर्स एंड अनक्लैंप द ड्रेनेज ट्यूबिंग बिफोर कनेक्टिंग द पेशेंट टू द सिस्टम। याद रखिए दोस्त, सिस्टम को पेशेंट से कनेक्ट करने से पहले व्हाट आर द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देन फर्स्ट थिंग इज दैट टर्न ऑफ द सक्शन सोर्स। सक्शन सोर्स को बंद कर दें हमेशा जब भी कभी पेशेंट से कनेक्ट करने जा रहे हो। दूसरी बात, अनक्लैंप द ड्रेनेज ट्यूबिंग बिफोर कनेक्टिंग टू द पेशेंट। यदि अगर आपने सक्शन ऑन रखा और पेशेंट से ट्यूब कनेक्ट कर दिया, तो एकदम प्लूरल कैविटी को ये खींच लेगा। मेक अ सेकेंड चेक टू द श्योर दैट ड्रेनेज ट्यूबिंग इज नॉट एक्सेसिवली लॉन्ग। दूसरी चेक करने वाली बात यह है दोस्त, जोड़ने से पहले, पेशेंट से कनेक्ट करने के पहले, कि ड्रेनेज ट्यूब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए। सक्शन सोर्स इज टर्न्ड ऑन अगेन आफ्टर द पेशेंट इज कनेक्टेड। सक्शन तब ऑन किया जाएगा जब सिस्टम पेशेंट से कनेक्ट हो जाएगा। हैविंग द पेशेंट कनेक्टेड टू द सक्शन व्हेन इट इज इनिशिएटेड कुड डैमेज प्लूरल टिश्यू फ्रॉम सडन इंक्रीज इन द नेगेटिव प्रेशर। ट्यूबिंग दैट इज कोइल्ड और लूप, यदि ट्यूब मुड़ा हुआ होगा, कोइल्ड होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, मे बिकम
क्लॉटेड एंड कॉजेज द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और यदि ट्यूबिंग में इस तरह की प्रॉब्लम है तो इससे टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशन जैसे सेडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स यदि अगर ऑर्डर किया गया है, रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी और पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड अप्लाई द क्लीन ग्लव पॉजिटिव पेशेंट, पोजिशन द पेशेंट फॉर ट्यूबिंग इंसर्शन सो साइड इन विच ट्यूब इज टू बी इंसर्टेड इज एक्सेसिबल टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Help the healthcare provider with the chest tube insertion by providing needed equipment and local analgesic. Healthcare provider will anesthetize skin over the insertion site, make a small skin incision, insert a clamp tube, suture in place, and apply the occlusive dressing. Dost, kya kare? Just healthcare provider will anesthetize kya patient ko? Anesthetize skin over the insertion site. Then make a small skin incision, insert the clamp tube or suture again in the place and apply the occlusive dressing. तो steps को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा आप किस तरह से इस system को patient से connect करते हैं। तो सबसे पहला anesthetize the skin, then make a small incision, then insert the clamp tubes and then place the sutures again. Then apply the occlusive dressing. Help the healthcare provider attach the drainage tube to chest to remove the clamp, turn on suction prescribed volume. Tape or zip tie all connection between the chest tube or drainage tube. Chest tube is usually tapped by the healthcare provider at the time of tube placement. Then check system for proper functioning. Healthcare provider will order a chest X-ray films. Verify the intrapleural placement of tube. After tube placement, positioning of the patient. दोस्त, यदि tube placement के बाद patient positioning is very important. अब मैं आपसे बहुत important बात करने वाला हूँ जो आने वाले एम्स के exams के purpose से बहुत ज्यादा useful साबित हो सकता है. दोस्त, यदि हम कहें after tube placement, what are the patient's positions? तो फर्स्ट हम कहते हैं यूज द सेमी फाउलर और हाई फाउलर पोजीशन टू इवैक्यूएट द एयर या न्यूमोथोरेक्स। दोस्त, यदि पेशेंट न्यूमोथोरेक्स वाला था तो उस पेशेंट को आप या तो सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे या हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे। यूज हाई फाउलर पोजीशन टू ड्रेन द फ्लूइड। यदि दोस्त पेशेंट हीमोथोरेक्स वाला पेशेंट था तो आप उसे हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे। अस्टिन, तो बहुत हर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ही जानदार और काफी यूजफुल क्वेश्चन से। चेक द पेटेंसी ऑफ एयर वेंट इन द सिस्टम और वाटर सील वेंट मस्ट हैव नो ऑक्लूशन। सक्शन कंट्रोल चैम्बर वेंट इज नॉट ऑक्लूडेड व्हेन सक्शन इज यूज्ड। Waterless system have relief valve without cap. Position the excess tubing horizontally. दोस्त, जितनी भी एक्स्ट्रा ट्यूब होगी उसको जमीन पे बिल्कुल सीधा आपको रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना होता है। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है, पोजिशन द एक्सेसिव ट्यूब हॉरिजॉन्टली ऑन द मैट्रेस नेक्स्ट टू द पेशेंट, पेशेंट के बाद। सिक्योर विद द क्लैंप प्रोवाइड्स सो इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द tubing. Prevents the excessive tubing from hanging over the edge of the mattress in dependent loop. Drainage collected in the loop can occlude the drainage system. यदि एक लूप बना रह गया, कहीं से मुड़ा हुआ रह गया ये ट्यूब गोलाई में इस तरह से, तो उसमें जो ड्रेनेज कलेक्ट हो जाएगा उससे ये ट्यूब सिस्टम ऑक्लूड हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर? Then which predispose patient to a tension pneumothorax. Adjust the tubing to the hang in the straight line and chest tube to drainage chamber. Promote drainage and prevents the fluid or blood from accumulating in the pleural cavity. Place two rubber tip hemostat. अब जब हमने articles रखे थे तब आपसे कहा था कि आपको hemostats की जरूरत पड़ेगी। आ गई है hemostat लगाने का time। तो just for each chest tube, हर एक chest tube के लिए hemostat apply किया जाएगा in an easily accessible position.
tap to the top of the patient headboard. This should remain with the patient when ambulating. जब पेशेंट घूमेगा तो ये जो हीमोस्टेट्स हैं ये ट्यूब्स को बिल्कुल फिक्स पोजीशन में रखेंगे. चेस्ट ट्यूब्स आर डबल क्लैंप अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस टू एक्सेस फॉर एन एयर लीक, टू एम्प्टी एयर ड्रेनेज डिस्पोजेबल सिस्टम, टू एसेस इफ पेशेंट इज रेडी टू हैव ट्यूब रिमूव्ड. Dispose of the shaft in proper container. Dispose of the used supplies when perform the hand hygiene. Care of the patient after chest tube insertion. Now we are going to know about what care the patient needed after the chest tube insertion. So perform the hand hygiene. Care किस तरह से करते हैं इस सिस्टम का? आइए जानते हैं. Perform hand hygiene and apply clean gloves. Assess the vital sign, oxygen saturation, skin color, breath sound, rate depth, and ease of the respiration. Insertion site every 15 minutes for the first 2 hour. The most important question is that insertion site is need to assess every 15 minutes for first 2 hour, then at least every shift. Understand? Then monitor the color, consistency, amount of the chest tube drainage every 15 minutes for first 2 hour. Chest tube drainage should be evaluated. This is second language question. Indicate level of the drainage fluid, date and time on the written on surface of the chamber. Then accept the less than 100 ml per hour from a mediastinal tube immediately after surgery and no more than 500 ml in first 24 hour. Dost, yaad rakhiyega, this is very important question. Usually mediastinal cavity mein jo tube, jaise heart ka surgery hua hai, understand? Ya lungs ka koi surgery hua hai, mediastinal tube hai. To mediastinal tube aur ek pleural tube. To mediastinal tube ka jo ड्रेनेज होना चाहिए वो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और यूजुअली 100 तक होता है और एक्सिड शुरुआत में ये 500 तक होता है इनिशियली, तो 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो याद रखिए दोस्त कि जस्ट एक्सपेक्ट द लेस देन 100 ml पर आवर फॉर अ मीडियास्टिनल ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी एंड नो मोर देन 500 ml फर्स्ट 24 आवर. शुरुआत के 24 घंटे में, कुल 24 घंटे में ये ड्रेनेज का जो अमाउंट होता है वो 500 से ज्यादा कभी भी नहीं होता है और पर हावर यदि बात करें तो 100 से ज्यादा कभी भी नहीं होता है, मैक्सिमम 500 हो सकता है वो भी 24 आवर्स के अंदर. सडन गुश ऑफ द ड्रेनेज में रिजल्ट फ्रॉम कफिंग और चेंजिंग द पेशेंट पोजिशन रिलीजिंग द पुल्ड कलेक्टेड ब्लड रादर देन इंडिकेटिंग द एक्टिव ब्लीडिंग. Expect between 100 से 300 ml in the first 3 hours after insertion of the posterior chest tube. तो mediastinal tube के बारे में पता चला आपको. दूसरा हम कह रहे हैं दोस्त posterior chest tube, posterior chest tube के drainage के amounts. तो expect between the 100 to 300 ml in the first 3 hours. अब यदि अगर ये questions दिल्ली एम्स में आ जाते तो आप या तो अपनी पढ़ाई को दोष देते, किताबों को दोष देते, नोट्सों को दोष देते और आप दिल्ली एम्स को कोसते कि यार ये कुछ भी उल्टी पुल्टी वैल्यू पूछता है. भाई वो उल्टा पुल्टा नहीं पूछता है, उल्टा पुल्टा नहीं पूछता, वो तो सीधा ही पूछता है. बस वो जो पूछता है वो आपको नहीं पता था, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि देखो जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये पूरे लेक्चर्स याद करना है जो मैं अभी पढ़ा चुका हूं पिछले 1.5 महीने से. और जो सेलेक्ट हो गए हैं अभी अभी, जिनकी नौकरी लगी है या सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको ये सारे प्रोसीजर पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? क्योंकि जैसे ही हॉस्पिटल में जाओगे अगर आपको ये सारे प्रोसीजर आते हैं दोस्त तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे जहां भी आपका वर्क एरिया है. तो वर्क एरिया में कंफर्टनेस बढ़ाने के लिए भी ये सारे प्रोसीजर याद करना है. और अगर आप एम्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. अब यहाँ दो ट्यूब्स की बात करते हैं हम. सबसे पहला मीडियास्टिनल ट्यूब के ड्रेनेज का अमाउंट, तो 100 से ज्यादा नहीं, और
मैक्सिमम 500 ml इन 24 आवर। यदि हम कहें पोस्टीरियर चेस्ट ट्यूब की बात करें तो दोस्त 100 से 300 इन फर्स्ट 3 आवर, शुरुआत के 3 घंटों तक ये मैक्सिमम 300 ml तक हो सकता है, 100 से लेके 300 तक होता है। टोटल 500 से 1000 ml एक्सपेक्टेड इन 24 आवर, 24 घंटे में मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1000 तक हो सकता है पोस्टीरियर चेस्ट ट्यूब से ड्रेनेज का अमाउंट। ड्रेनेज इज ग्रॉसली ब्लडी ड्यूरिंग फर्स्ट सेवरल आवर आफ्टर सर्जरी और चेंज टू द सीरस। शुरुआत में ये ड्रेनेज ब्लडी होता है और फिर धीरे 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 ये सीरस हो जाता है। एक्सपेक्ट द लिटिल और नो आउटपुट फ्रॉम द एंटीरियर चेस्ट ट्यूब दैट इज इंसर्टेड फॉर अ न्यूमोथोरेक्स। दोस्त यदि अगर हमने कहा एंटीरियर चेस्ट ट्यूब भी इंसर्ट किया गया है तो आप ये एक्सपेक्ट के चलिए, ये मान के चलिए कि उससे कोई आउटपुट नहीं होगा या बहुत कम होगा, अस्टिन यदि न्यूमोथोरेक्स वाला पेशेंट है तो। क्लियर है दोस्त? तो तीन तरह के ट्यूब्स हमने आपको यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट ट्यूब हमने कहा मीडियास्टिनल ट्यूब और इसके ड्रेनेज के वॉल्यूम्स। सेकेंड हमने कहा पोस्टीरियर चेस्ट ट्यूब जिसके ड्रेनेज सबसे ज्यादा होंगे, और थर्ड हमने बोला दोस्त एंटीरियर चेस्ट ट्यूब जिसका ड्रेनेज या तो बिल्कुल कम होगा या नहीं होगा। ऑब्जर्व द चेस्ट ड्रेसिंग फॉर द ड्रेनेज, पालपेट द अराउंड द ट्यूब फॉर द स्वेलिंग और क्रेपिटस। यदि अगर ट्यूब जहां से इंसर्ट हो रहा है वहां पर स्वेलिंग और क्रेपिटस हो गया है तो हमने न्यूमोथोरेक्स और उस केस में भी बताया था दोस्त, ट्रेकियोस्टोमी के केस में भी। तो अगर क्रेपिटस हो रहा है तो इट इज इंडिकेटिंग सबक्यूटेनियस एम्फाइसिमा इज नॉटेड बाय द क्रैकली। चेक द ट्यूबिंग टू एंश्योर दैट इट इज फ्री ऑफ किंक और डिपेंडेंट लूप्स। ऑब्जर्व फॉर द फ्लक्चुएशन ऑफ द ड्रेनेज एंड ट्यूबिंग वाटर सील चैम्बर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। Observe for the clot or debris. If fluctuation or tidaling stops, it means that either the lung is fully expanded or system is obstructed. याद रखना दोस्त, यदि अगर fluctuation or tidaling रुक जाता है तो it means क्या होता है? इसका means होता है कि या तो lungs fully expanded हो रहे हैं, recoil नहीं हो रहे हैं, और या फिर system has obstructed. सिस्टम ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। इन द नॉन मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट फ्लूड राइजेस इन द वाटर सील, फ्लूड राइजेस इन द वाटर सील और डायग्नोस्टिक इंडिकेटर यानी वाटर लेस सिस्टम में विद इंस्पायरेशन एंड फॉल्स विद एक्सपायरेशन। अस्टिन दोस्त यदि हम कहें कि यदि पेशेंट नॉन मैकेनिकल वेंटिलेटेड है तो फ्लूड राइजेस इन द वाटर सील, तो वाटर सील में फ्लूड का जो लेवल होता है वो बढ़ता है। और डायग्नोस्टिक इंडिकेटर यानी कि किसमें होता है डायग्नोस्टिक इंडिकेटर, तो ये होता है वाटरलेस सिस्टम के अंदर विद इंस्पायरेशन एंड फॉल्स विद द एक्सपायरेशन। द थ्री पॉजिट अकर्स इन द पेशेंट हु इज मैकेनिकली वेंटिलेटेड। यदि पेशेंट मैकेनिकली वेंटिलेटेड है, वेंटिलेटर लगा हुआ है, तो फिर इसका जस्ट अपोजिट होता है, याद रखना आप। दिस इंडिकेट्स दैट सिस्टम इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। कीप द ड्रेनेज सिस्टम अपराइट एंड बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट चेस्ट। चेक फॉर द एयर लीक बाय मॉनिटरिंग द बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर। इंटरमिटेंट बबलिंग इज नॉर्मल ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन when air is being evacuated from the pleural cavity, but continuous bubbling during both inspiration and expiration indicate the leakage in the system. Remove the gloves and dispose of the used soiled equipment in appropriate biohazard container, perform hand hygiene. Problem solving with chest tubes. Dost, next jo hamara is lesson ka jo part hai वो अब हम बताते हैं कि सिस्टम में आने वाली प्रॉब्लम्स। दोस्त सिस्टम किस तरह से होता है, क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त क्लास है आज की और काफी डिटेल में मैंने खोल के आपको बताया है हर चीज कि
एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए फ्यूचर में कि क्या होता है, हर बात क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंड, देखो सीखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, सिखाने वाला चाहिए। सीखने में कोई टैक्स नहीं लगता है, सिखाने वाला चाहिए। विद्यार्थी हर बात सीखने के लिए उत्सुक होता है कि मुझे नई नई बातें पता चले। और आज के इस लेसन से आपको हर कुछ पता चल जाएगा वाटर सील चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। जिंदगी में, लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। अब ये तो हम सीख गए पूरा सिस्टम लगाना करना, सब कुछ फंक्शन करना कैसे क्या करता है। अब हम देखेंगे दोस्त कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत में डिटेल से सीखेंगे। तो देखिए दोस्त, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद द चेस्ट ट्यूब्स। एयर लीक कैन अकर्स एट द इंसर्शन साइट एट कनेक्शन बिटवीन द ट्यूब और ड्रेनेज डिवाइस और विद इन द ड्रेनेज डिवाइस इटसेल्फ। Determine when the air leak occurs during respiratory cycle, inspiration or expiration. Continuous bubbling is noted in the water seal chamber that is attached to the suction. दोस्त, यदि अगर air leak होने लगे insertion site पर या फिर connection पे या tube drainage device में, तो क्या होने लगेगा? Water seal chamber में continuous bubbling होने लगेगा। तो क्या करना है? तो जब एयर लीक होने लग जाए, आपको डाउट हो रहा है कि कंटिन्यूस बबलिंग होने लग गया है, एयर लीकेज हो रहा है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, आइए जानते हैं। चेक ऑल कनेक्शन। सबसे पहले चेस्ट ट्यूब और ड्रेनेज सिस्टम। लोकेट द लीक बाय क्लैंपिंग द ट्यूब एट द डिफरेंट इंटरवेल अलोंग द ट्यूब। अब आपको क्लैंप की मदद से ट्यूब को डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेल्स पे लॉक करके चेक कर लेना है कि लीकेज कहां से हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इफ वाटर सील यूनिट इज नॉट अटैच्ड टू द सक्शन, अ टोटल एब्सेंस ऑफ बबलिंग और ड्रेनेज वुड इंडिकेट अ लीक। दोस्त, यदि अगर वाटर सील यूनिट इज नॉट अटैच्ड टू द सक्शन, वाटर सील यूनिट प्रॉपरली सक्शन से अटैच नहीं हुआ है, तो क्या होगा? अ टोटल एब्सेंस ऑफ बबलिंग, टोटल एब्सेंस ऑफ बबलिंग एंड ड्रेनेज वुड इंडिकेट अ लीकेज। क्लियर? असेस फॉर द लोकेशन ऑफ लीक बाय क्लैंपिंग चेस्ट ट्यूब विद टू रबर शॉर्ट और टूथलेस क्लैंप क्लोज टू द चेस्ट वॉल। इफ बबलिंग स्टॉप्स, ए लीक इज इनसाइड पेशेंट्स थोरैक्स एंड इन द इंसर्शन साइट। अनक्लैंप ट्यूब, तो क्या करें ऐसी कंडीशन में? अनक्लैंप द ट्यूब, रेनफोर्स द चेस्ट ड्रेसिंग, नोटिफाई द एससीपी इमीडिएटली। लीविंग द चेस्ट ट्यूब क्लैंप कैन कॉज कोलैप्स ऑफ द लंग्स। यदि अगर आप चेस्ट ट्यूब्स को क्लैंप्स ही रख देंगे, तो क्या हो सकता है? लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं। मीडिया स्टेनर शिफ्ट एंड इवेंचुअल कोलैप्स ऑफ द अदर लंग्स फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ एयर प्रेशर विद इन द प्लूरल कैविटी। इफ बबलिंग कंटिन्यू विद द क्लैंप नियर द चेस्ट वॉल, ग्रेजुअली मूव वन क्लैंप एट द टाइम डाउन ड्रेनेज ट्यूबिंग अवे फ्रॉम द पेशेंट टुवर्ड्स द सक्शन कंट्रोल चैम्बर। व्हेन बबलिंग स्टॉप्स, लीक इज इन द सेक्शन ऑफ ट्यूबिंग और कनेक्शन बिटवीन द क्लैंप। Replace tubing or secure the connection or। तो ये जो तरीका है दोस्त, ये क्लैंपिंग करके ये लीकेज ढूंढने का तरीका है। तो लीकेज कैसे ढूंढते हैं, ये इस सेक्शन के माध्यम से आपको बताया है मैंने। क्लैंपिंग कर करके हम लीकेज को ढूंढेंगे, और अगर लीकेज पकड़ में आ जाता है, उसके बाद हम ट्यूब को चेंज करेंगे। इफ बबलिंग स्टिल कंटिन्यू, इट इंडिकेट दैट लीक इज इन द ड्रेनेज सिस्टम। अगर फिर भी बबलिंग हो रहा है, तो अब आपको बात समझ में आ गई है, जो सिस्टम आया है, जो सिस्टम है पूरा, उसके अंदर लीकेज है, ट्यूबिंग में लीकेज नहीं है, याद रखना। तो फिर क्या करना? ड्रेनेज सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा। असेस फॉर द टेंशन न्यूमोथोरेक्स। दोस्तों याद रखना, टेंशन न्यूमोथोरेक्स के लिए क्या असेसमेंट होते हैं? सेवरल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, चेस्ट पेन, absence of breath sound on affected site, tracheal shift on affected site, hypotension, sign of shock, tachycardia. Make sure that chest tube are patent, remove the clamp, eliminate the kink,
eliminate occlusion, notify SCP immediately and prepare for the another chest tube insertion. A one-way flutter Hemilch valve or large gauze needle may be used for short-term emergency release of the pressure in the intrapleural space. Have emergency equipment, oxygen, cord cart available because condition is life-threatening. अब मैं बताता हूँ दोस्त कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स. लेक्चर का नेक्स्ट सेक्शन है अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स. अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स यानी कि ऐसी दुर्घटनाएं जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था बट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में अगर हो जाता है तो हमें उसके कंडीशन में क्या करना होगा, आइए सीखते हैं. पेशेंट डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. यदि अगर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम लगा है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, डिक्रीज इन द ब्रीथ साउंड ओवर द अफेक्टेड साइट, नॉन अफेक्टेड लंग्स, मार्क्ड साइनोसिस, असिमेट्रिक चेस्ट मूवमेंट, प्रेजेंस ऑफ द सबक्यूटेनियस एम्फाइसिमा अराउंड द ट्यूब इंसर्शन साइट और नेक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, मीडियास्टिनल शिफ्ट और क्रिटिकल और इंडिकेटर सेवरल चेंज इन द पेशेंट स्टेटस जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस और द टेंशन न्यूमोथोरेक्स. यदि दोस्त ऐसा हो तो आपको नोटिफाई एससीपी इमीडिएटली, कलेक्ट सेट ऑफ वाइटल साइन और पल्स ऑक्सीमेट्री, प्रिपेयर फॉर चेस्ट एक्सरे और प्रोवाइड ऑक्सीजन एज ऑर्डर्ड. सेकंड, एयर लीक इज अनरिलेटेड टू द पेशेंट रेस्पिरेशंस, नोटिफाई एससीपी. देयर इज नो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज. दोस्त यदि सिस्टम लगा दिया है लेकिन कोई ड्रेनेज ही नहीं आ रहा हो, अनएक्सपेक्टेड है, इज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि ड्रेनेज हो ही नहीं रहा है, तो क्या करना है. ऑब्जर्व फॉर द किंक इन द, सबसे पहले तो देखें कहीं से मुड़ तो नहीं रहा है ट्यूब. ऑब्जर्व फॉर द पॉसिबल क्लॉट ट्यूब में. फिर सेकंड थिंग इज दैट कंफर्म करें कि ट्यूब में कोई क्लॉट तो नहीं है. ऑब्जर्व फॉर मीडियास्टिनल शिफ्ट और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है. ये मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती है, नोटिफाई एससीपी. चेस्ट ट्यूब इज डिसलॉज्ड, यदि चेस्ट ट्यूब हट जाए, निकल जाए, तो क्या करें. बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, काफी बड़े खतरनाक एक्सीडेंट्स हैं ये जब चेस्ट ट्यूब सिस्टम किसी को लगाते हैं तो. एकदम ट्यूब निकल जाए तो क्या करें. इमीडिएटली अप्लाई द प्रेशर ओवर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट. तो फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए दोस्त यदि चेस्ट ट्यूब एकदम हट जाए तो. बिकॉज यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर एंड यू नीड व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेल, आपको ये सब बहुत अच्छे से आना चाहिए, समझे दोस्त. यदि डिस्क्लोज हो जाता है तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा, तो इमीडिएटली अप्लाई द प्रेशर ओवर द चेस्ट ट्यूब इंसर्शन साइट. हैव असिस्टेंट ऑब्टेन द स्टेराइल पेट्रोलियम गोज ड्रेसिंग. उसके बाद कौन सा ड्रेसिंग करें, पेट्रोलियम गोज ड्रेसिंग. अप्लाई अ पेशेंट एक्सॉल्व, सिक्योर द ड्रेसिंग विद द टाइट सील, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द ब्राइट रेड ड्रेनेज इज ऑब्जर्व. यदि अगर दोस्त आप देख रहे हैं कि ब्राइट रेड ड्रेनेज आने लगे तो क्या करें. ऑब्जर्व वाइटल साइन, मॉनिटर ड्रेनेज, पेशेंट कार्डियोपल्मोनरी स्टेटस और नोटिफाई एससीपी. अब दोस्त हम एक और सिस्टम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर. ये कौन सा सिस्टम है, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिस्टम आपको चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के साथ कोरिलेट करके और कंफ्यूज किया जा सकता है. इस सिस्टम को पूछा जा सकता है और आपसे कहा जा सकता है कि पहचानिए. तो आप में से कई मोस्ट ऑफ बर्स का नाम जो देंगे वो क्या दे देंगे, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम. लेकिन दोस्त ये चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. आइए जानते हैं इस सिस्टम के बारे में कि ये क्या है. ऑटो ट्रांसफ्यूजन ऑफ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज. चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से जो भी अमाउंट ड्रेन होगा उस ड्रेनेज को वापस से बॉडी में अगर ट्रांसफ्यूज करना है तो फिर ये सिस्टम ऑटो ट्रांसफ्यूजन का कार्य करता है. ठीक है, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज से जितना भी फ्लूड ड्रेन होगा उसे ऑटो ट्रांसफ्यूजन करने वाला ये सिस्टम होता है. ऑटो ट्रांसफ्यूजन ब्लड लॉस्ट फ्रॉम द ट्रॉमा, इंजरी और सर्जरी इज इन्फ्यूज्ड बैक इनटू द पेशेंट सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्जरी से, ट्रॉमा से या इंजरी से जितना भी ब्लड लॉस होता है उसे वापस से पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम में री इन्फ्यूज किया जाता है इस सिस्टम के माध्यम से. व्हेन री इन्फ्यूज इज linked with the chest drainage, it is relatively risk-free. एक तो इससे क्या होगा, risk-free है, inexpensive है,
easy method of replacing the blood. Benefit of autotransfusion includes an immediate blood supply. Autotransfusion ka sabse bada fayda kya hai dost? Immediately blood supply maintain ho raha hai. No risk of transfusion reaction. Transfusion reaction ki koi risk nahi hoti hai. And more oxygen supply to the vital organ. Vital organs ko achha oxygen supply hoga agar fluid wapis se replace hota ja raha hai saath ke saath hi. Patient must also have a patent intravenous line in place. Reinfusion is contraindicated in the patient with the coagulation disorder, infection, cancer, or pre-existing liver or kidney dysfunction. कौन कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें इंस्टेंट रीइन्फ्यूजन नहीं किया जा सकता है. तो ये भी आपके लिए एक बड़ा ही नया टॉपिक था दोस्त कि रीइन्फ्यूजन, इंस्टेंट रीइन्फ्यूजन सिस्टम जो होता है वो कौन कौन से केसेस में करते हैं, क्या बेनिफिट है, कैसा दिखता है और कौन सी कंडीशंस में ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है. क्लियर है? तो दोस्त ये थे आपके आज के सिस्टम और ये जो क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस हैं. आप बाद में इसको पढ़ लेना, ये भी टेस्ट के अंदर मैं आपको दूंगा. तो आज के सिस्टम में जो हमने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, उसका टेस्ट पेपर अभी थोड़ी देर बाद में आपको मिल जाएगा. तो टेस्ट पेपर में आपकी इस नॉलेज को यूज करें कि कितना सीखा है, कितना लर्न किया है. लेंथी टॉपिक था दोस्त, बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक था, काफी ज्यादा क्लिनिकल टॉपिक था और बहुत ज्यादा एम्स में चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे इससे पूछे जाते हैं. तो थैंक यू सो मच, लव यू डियर फ्रेंड्स. पढ़ते रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए. हर हर बुगली, घर घर बुगली. थैंक यू सो मच, बाय बाय. आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना मजा आया, कितना सीखा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं.